सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो गई है और अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहा है और देखिए बाहर कितना ज़्यादा फोक हो रखा है और अंधेरा भी काफ़ी हो रखा है। सो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी से कॉल आ गई है तो इसलिए मैं उठ गई हूँ और मैं फटाफट से पहले उनके लिए चाय बनाऊँगी, फिर उसके बाद मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊँगी। उनकी ना ड्यूटी से कॉल आती है तो 2 घंटा पहले उन्हें कॉल आती है, तो 2 घंटे के अंदर उन्हें निकलना होता है। सो मैं कोशिश करती हूँ फ्रेंड कि 2 घंटे के अंदर खाना पानी जो मुझे बनाना है मैं सब रेडी करके टाइम से अपने हस्बैंड को दे दूँ और टाइम से चले भी जाए। सो यहाँ पर मेरी चाय बन गई है और चाय मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी। सो फ्रेंड, बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है इसलिए ना मैंने शॉल भी ओढ़ रखा है, क्योंकि थोड़ा कान हान बच जाएंगे तो कानों में ज़्यादा ठंडा लगता है, तो इसलिए मुझे शॉल अभी मिला तो मैंने शॉल भी ओढ़ लिया है। अब मैं चाय देने जा रही हूँ अपने हस्बैंड को और चाय है देने के बाद मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ प्याज के जो पत्ते होते हैं ना उनकी सब्ज़ी बना दूँगी फटाफट से। तो सब्ज़ी मैंने यहाँ पर बनने को रख दी है, मैं फटाफट से आटा भी लगा लूँगी। आटा लगाने के बाद मैं रोटी भी सेक दूंगी फटाफट से। मैंने अपने हस्बैंड से का नाश्ता करके भी जाना, तो सुबह सुबह ना फ्रेंड मॉर्निंग में खाया भी नहीं जाता है। सो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैं खा के नहीं जाऊंगा, मैं सब लेके जाऊंगा। तो सो फ्रेंड, यहाँ पर मेरा नाश्ता भी बन गया है, अब मैं फटाफट से टिफ़िन पैक कर दूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर ना मैं अपने हस्बैंड को थोड़े से घुकते भी दे रही हूँ जो मैंने पहले बनाए थे। अच्छा लगता है खाना खाने के बाद ना कुछ मीठा खाओ तो अच्छा ही लगता है, तो थोड़ा बहुत मैं घुकते भी दे दूँगी तो खाना खाने के बाद वो खा लेंगे तो उन्हें अच्छा भी लगता है। वो पहले दिन मुझसे कह भी रहे थे कि आपने तो घुकते बनाए थे दिए भी नहीं, टिफ़िन में रखे भी नहीं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने कहा अगली बार से मैं टिफ़िन में पैक कर दूँगी, तो इसलिए मैंने थोड़े बहुत रख दिए तो वो खाना खाने के बाद इसे भी खा लेंगे। तो सो फ्रेंड, बाहर देखिए उजाला तो खैर हो गया है और फॉग देखिए अभी भी कितना ज़्यादा हो रहा है, तो आप माने सकते हो देख कर के कितना ज़्यादा ठंडी हो रही है यहाँ पर। और अभी नीचे मकान वाले लोग भी शायद दीदी लोग नहीं उठे हैं। सो देखिए बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर। सो फ्रेंड, मैं यहाँ पर रूम पे आ गई हूँ और मैं फटाफट से अपने हस्बैंड का बैग तैयार कर दूँगी। उनने भी थोड़ा बहुत तैयारी कर रखी थी, उनने एक जोड़ी कपड़े थे जो रख दिए हैं। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि कोई भी सामान उनका छूट ना जाए, इसलिए मैं देखते रहती हूँ छोटा मोटा जो भी सामान उन्हें होता है, टॉर्च और काफ़ी चीज़ें होती है ड्यूटी में लेके जाने के लिए, इसलिए मैं उनका बैग तैयार कर रही हूँ यहाँ पर। जब तक उनका बैग तैयार करूँगी तब तक वो रेडी हो जाएंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर को मैं अपने हस्बैंड को थोड़ी सी लौंग दे रही हूँ। लौंग या इलायची ना उन्हें खाना अच्छा लगता है तो इसीलिए थोड़े बहुत लेके भी जाते हैं, तो मैंने उन्हें दे दिया है। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है तो जैकेट वैकेट पहनना ज़रूरी होता ही है, बिना जैकेट के आप बाहर तो जा नहीं सकते हो। और मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड से कह रही हूँ बाबू जल्दी आना करके, क्योंकि होता है ना दो जने होते हैं तो मन भी लगा रहता है, अकेले अकेले मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो भी कोशिश करते हैं कि मैं जल्दी आऊँ, लेकिन टाइमिंग होती रोटी की तो आ तो सकते हैं नहीं, सो इसलिए वो जा रहे हैं तो मैं थोड़ी बहुत बातें उनसे कर रही हूँ यहाँ पर को।
ये जा रहे हैं। ठीक है बाय, जल्दी आना, चलो बाय। बाय बाय, ओके। सो फ्रेंड, मेरे हस्बैंड अभी जा चुके हैं, ठीक ही हो रहा है। मॉर्निंग ड्यूटी आती है ना तो सही होता है, बता। रात को आती है ना, मन ही नहीं करता ना, अकेले नींद आती है मुझे तो अभी टाइम हो चुका है, तो मेरे अंदर चले गए और मैं थोड़ी कमरे की साफ सफाई करती हूँ पहले तो। सो फ्रेंड, लोको पायलट की बेबी होना ऐसा ही होता है, और इन लोगों का ना ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं होती है, सुबह दिन रात मतलब किसी भी टाइम आ जाती है। और ज़्यादातर तो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी रात को ही आती है, 12-1-2 बजे इसी टाइम पर आती है। तो मुझे इतना गुस्सा आता था ना पहले शुरू शुरू में, तो अब तो खैर मुझे आदत हो गई है। तो इसीलिए बस हाउस वाइफ का यही काम होता है कि जो टाइम हस्बैंड लोग को मिलते हैं वही टाइम पर हम उनके सारे काम करके उन्हें हम भेज दें, तो अच्छा भी लगता है कि चलो टाइम से हस्बैंड पहुँच भी जाएंगे, तो अच्छा भी लगता है हमको। सो इसके उनके जाने के बाद मैं अपने घर के जो छोटे मोटे सारे काम मैं करते रहती हूँ। फ्रेंड, अब मैं पीऊँगी चाय, मैं पहले चाय बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड तो जा चुके हैं, क्योंकि फिर उन्हीं के साथ लगे रहना टाइम नहीं मिलता है इतना। अब वो चले गए तो मैं आराम से चाय पीऊँगी, क्योंकि कभी कुछ सामान चाहिए होता, कभी कुछ सामान चाहिए होता है उन्हें, कभी उन्हें सॉक्स ही नहीं मिलते, कभी उन्हें हैंकी नहीं मिलती है, इसीलिए सो अब मैं अपने आराम से चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, अब मैं अंदर आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ। तो बाहर का व्यू देखिए, इतना ज़्यादा कोहरा लगा ना, ठंडा लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लगा है अभी तो, धीरे धीरे के हट जाएगा, धूप भी आती नहीं आती है पता नहीं। मैं दरवाज़ा भी बंद कर देती हूँ। तो फ्रेंड, मैं जा रही हूँ नीचे अभी सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी वाले भैया है जो मतलब आ गए हैं, हम लोग के ना 8 बजे तक सब्ज़ी वाले आ जाते हैं गलियों में, तो इसलिए मैं सब्ज़ी लेने ज़्यादा तक आती नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड ही आते हैं लेने के लिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। सो यहाँ पर देखिए कितनी हरी भरी सब्ज़ियाँ हैं, तो मैंने थोड़ी बहुत सब्ज़ी ले ली है। सो मैं अभी सब्ज़ी ले कर आ गई हूँ, शिमला मिर्च, मटर और थोड़ी भिंडी ली है मैंने। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं अपने घर के अब सारे काम करूँगी, क्योंकि ना मैं अभी अपने मायके गई थी तो मैं 1 हफ्ता रह के आई हूँ। तो 1 हफ्ता मतलब ऐसा होता ना, हम लोग हाउस वाइफ लोग मतलब रोज़ झाड़ू पोछा रोज़ अपना साफ सफाई करते, तो इतनी गंदगी नहीं होती है। अब 1 हफ्ते से मेरा कुछ भी काम नहीं हुआ था, मैं मायके गई थी तो इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई है, तो इसलिए मैं अच्छे से पहले साफ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर को मैं अब कपड़े धो लेती हूँ, कपड़े मेरे सब धुल गए तो मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ। मौसम सो इतना ख़राब हो रखा है कि लगता तो है नहीं कि कपड़े मेरे सूखेंगे, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा हो गए थे कि मुझे धोने पड़े, 2 बाल्टी मेरे कपड़े हो गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा कोई नहीं, 2-3 दिन में तो सूख ही जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर कपड़े धो के सुखा लूँगी। सो थोड़े बहुत कपड़े मैं यहाँ पर सुखाऊंगी, अभी सुखाने हैं मुझे, और थोड़े बहुत कपड़े मैंने कुर्सी में भी सुखा रखे हैं, क्योंकि ना हमारे पास ज़्यादा जगह है नहीं कपड़े सुखाने के लिए, और यहाँ मुझे अभी चादर धोनी है तो वो सुखाऊंगी मैं, तो इसीलिए मैंने थोड़े बहुत यहाँ पर कुर्सी में कपड़े सुखा दिए हैं। और मौसम देखो अभी बाहर 10 बज गया है और कोहरा हट ही नहीं रहा, इतना ठंडी हो रही है। तो फ्रेंड, मैंने अंदर ही पोछा लगा दिया है और पंखा भी मैंने ऑन कर रखा है, क्योंकि सूखे जाएगा जल्दी, इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है काम करते गले से, मैंने गर्म पानी भी लगा दिया है। और मैंने यहाँ बाहर भी सब पूरा धो रखा है, आज बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, मैंने यहाँ टॉयलेट भी साफ़ कर रखा है।
आज तो धूप भी नहीं आई है, पता नहीं मेरे कपड़े सूखते नहीं सूखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर को ना मैं थोड़ा साफ सफाई कर रही हूँ, थोड़े डब्बे अब्बे थे मैंने मसाला वसाला बहुत कुछ रखे थे, ये सब मैंने खाली कर दिया है। किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, मुझे साफ करना था, मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैं के चली गई थी। और ये गुड़ है, गुड़ को डब्बे में डालना, ये डब्बा मैंने धो रखे बहुत से। और यहाँ पर देखिए देखो कितना अच्छा हरा भरा धनिया है, बिल्कुल मेरी मम्मी ने, मैं अपने मायके से लेके आई, मेरी मम्मी लोग ना घर में वहाँ खेत में लगाते हैं, तो मम्मी ने इसलिए ये काट के दे दिया था। कितना तो थोड़ा बहुत तो मैं नीचे भी देख के आई, मुझे दीदी को दे के आ रही हूँ। और देखो कितना अच्छा धनिया है वो हरा भरा। फ्रेंड यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत सामान अच्छे से सेट कर दिया है, थोड़ा बहुत अभी ऐसे रखा हुआ है। और यहाँ पर का सामान सब ऐसे ही है, क्योंकि मैंने जो डब्बों में रखना है इनको, वो डब्बे मैंने भी वॉश करके बाहर धूप में रख रखे हैं। और थोड़ा बहुत यहाँ पर ऐसे सामान रखा है, बस हो गया। और मैं खा रही हूँ, थोड़ी बहुत नमकीन काम करते करते मुझे भूख लग गई है। और ये देखिए यहाँ पर को मैंने डब्बे बिस्तर पर ही रख दिए, ज़्यादा गीले नहीं थे तो इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिए। और ये देखो ये पापड़ है, ये ना आलू के चिप्स है, ये मेरी मम्मी ने बनाए थे होली में, तो इसलिए मैं यहाँ लेके आई क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं ये। और धूप देखिए कितनी अच्छी धूप आ रखी है, और मेरे कपड़े भी सूखने वाले ही हैं अभी। फ्रेंड यहाँ मेरे डब्बे धुल के सूख गए हैं बिल्कुल ही, ये मैं बाहर अंदर लेके आ गई हूँ। और ये मैंने सारे सामान वामान रख दी, मसाले साले थे ना, मतलब मैं डब्बों में निकालने के बाद जो बच जाते हैं वो मेरे डब्बे में रख देती हूँ। और उसे मैंने बेसन वेसन भी रख लिया है, तो मैं इसको रखती हूँ। और ये डब्बा भी सूख गया, इसमें मैं डाल दूँगी सूजी। सो यहाँ पर मैं डब्बे में सूजी भर रही हूँ। और इन डब्बों में है, मैं थोड़ा बहुत और सामान मेरा बचा है, मैं थोड़ा सा गुड़ भी एक गुड़ भी मैं इस डब्बे में डाल देती हूँ। और इसको मैं थोड़ा तोड़ के डालूँगी कि गुड़ की चाय भी कभी कभी पियो ना तो अच्छी लगती है, लेकिन ये गुड़ में जब मैंने गुड़ते बनाए थे मैं तब लेके आई थी।